वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर चेन्नई से आ रही है, जहां मिक्जॉम तूफान के बीच चेन्नई एयरपोर्ट को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। एयरपोर्ट पर सारे ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट पर पिछले कई दिनों से फ्लाइट को लगातार डाइवर्ट किया जा रहा था। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, मिक्जॉम तूफान के मद्देनजर अब चेन्नई एयरपोर्ट को पूरी तरीके से खोल दिया गया है, क्योंकि तस्वीरें देखिए आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से पूरे सबवे में पूरे रनवे पर पानी भरा हुआ था, और पानी भरे होने की वजह से वहां पर फ्लाइट्स की लैंडिंग नामुमकिन थी। इसी वजह से फ्लाइट्स को या तो बैंगलोर डाइवर्ट किया गया या फिर फ्लाइट का हॉल्ट ही नहीं दिया जा रहा था। और अब जानकारी ये आ रही है कि पिछले कई दिनों से फ्लाइट्स को लगातार डाइवर्ट किया जा रहा था और पूरी तरीके से अब चेन्नई एयरपोर्ट को खोल दिया गया है, जिससे कि पानी बाहर जा सके, पानी पास हो सके। पानी भरने की वजह से एयरपोर्ट को पूरी तरीके से बंद करना पड़ा था, लेकिन अब चेन्नई एयरपोर्ट को पूरी तरीके से खोल दिया गया है और अब आवाजाही भी धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगी। लेकिन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, वहां पर जो बाहरी लोग आए हैं, टूरिस्ट जो आए हैं बाहरी राज्यों से, वो फंसे हुए थे, अब इन लोगों को अपने घरों की ओर रुक करने का, बाहर जाने का इंतजार लगातार बना रहेगा। तो बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा तूफान मिक्जॉम। आज दोपहर 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के बापटला के पास नेल्लौर मछलीपट्टनम के बीच टकराएगा। तूफान को लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में अलर्ट जारी किया गया है, और इन राज्यों में एनडीआरएफ की कई टीमों को तैनात किया गया। तूफान के तट से टकराने से पहले ही इसका असर भी इन राज्यों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा ये मिक्जॉम तूफान आज दोपहर 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के बापटला के पास नेल्लौर मछलीपट्टनम के बीच टकराएगा, जो कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश का इलाका है। और इसी बीच लगातार एक के बाद एक बड़ी अपडेट आ रही है, और एक और बड़ी अपडेट की बात करेंगे। बड़ी खबर यह आ रही है कि मिक्जॉम तूफान से जुड़ी हुई अपडेट है। आज दोपहर 11:30 बजे मिक्जॉम तूफान आंध्र प्रदेश के तट से टकराने वाला है, जो कि बापटला के करीब नेल्लौर और मछलीपट्टनम के बीच में स्थित है। बताया ये जा रहा है कि तूफान 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकरा सकता है, और उसके बाद जो सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब हो सकती है, और लोगों को पहले ही अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, खतरे के बादल लगातार मंडरा रहे हैं, और ऐसे में अब लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। 11:30 बजे का समय होगा जबकि नेल्लौर और मछलीपट्टनम के बीच में तूफान टकराएगा, जो कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश का इलाका है, और ऐसे में न सिर्फ राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं बल्कि लोगों से भी अपील की जा रही है कि समुद्र से दूर रहा जाए। ऊंची उड़ती लपटें कहीं ना कहीं खतरा बन सकती हैं आम लोगों के लिए, और इसी के मद्देनजर मिक्जॉम तूफान को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा तूफान, और दक्षिणी भारत पर एक और तूफान के बादल मंडरा रहे हैं। समुद्र तटीय इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है, मछुआरों से तट से दूर रहने की अपील की गई है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठा मिक्जॉम तूफान तबाही मचाने के संकेत दे रहा है। संकट के इस काल में केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट पर है, और एनडीआरएफ की कई टीमों को तैनात कर दिया गया है। जब कुदरत रौद्र रूप दिखाती है तो किसी की नहीं चलती, महज कुछ सेकंडों में तस्वीर ही बदल जाती है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दस्तक, और दक्षिण भारत में गूंजने लगा संकट का एक और अलार्म। तूफान से तबाही और त्रासदी की इस तस्वीर को देखिए। जिस रफ्तार में पत्थर भी हवाओं से बात करने लगता है, उस रफ्तार से ये तूफान दक्षिण में दस्तक दे रहा है। बंगाल की खाड़ी से तबाही लेकर उठा मिक्जॉम अब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में संकट के बादल की तरह मंडरा रहा है। और इसलिए मौसम विभाग ने तटीय इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। समंदर के पास मछुआरों के आने पर रोक लगाई गई है। तमिलनाडु में लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बात की है। तूफान की दस्तक के साथ 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो तूफान का असर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी के अलावा तेलंगाना और ओडिशा में काफी हद तक हो सकता है।
यही वजह है कि तूफान की इस दस्तक के पहले राज्य और केंद्र सरकार अलर्ट है। ज्यादा प्रभावित इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, समुद्र तट के पास बने घरों को खाली कराया जा रहा है। आपदा के इस काल में एनडीआरएफ भी मोर्चा संभाले हुए है। मिग्जॉम तूफान पर एनडीआरएफ की 24 टीमों को तैनात किया गया है। तमिलनाडु में 12 टीम तैनात की गई हैं, आंध्र प्रदेश में 9 टीम तैनात की गई हैं, पुदुचेरी में 3 टीम तैनात हैं, तो वहीं 10 टीमों को रिजर्व मोड में रखा गया है। तूफान के अलर्ट को देखते हुए तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। तूफान से तबाही के संभावित खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस साइक्लोन का असर पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दिखने लग जाएगा। इन इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है।